बात 80 के दशक की है, जब मुंबई के व्यापारी, बिल्डर्स और फिल्म मेकर्स अंडरवर्ल्ड डॉन के खौफ में जी रहे थे। पूरी मुंबई पर सिर्फ माफिया का राज चलता था। सभी लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे। सरेआम सड़क पर मर्डर कर दिए जाते थे। उस समय मुंबई पुलिस का एक चेहरा सामने आया, जिसने डी कंपनी की दहशत से मुंबई के लोगों को निजात दिलाई। ये थे मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन हुए प्रदीप शर्मा, जो देखते ही देखते मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए। आइए आपको बताते हैं इसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी, जिसके सामने अच्छे अच्छे गुंडों ने घुटने टेक दिए। आगरा के खंडोली में पैदा हुए प्रदीप शर्मा ने मुंबई से एमएससी की पढ़ाई की और मुंबई पुलिस सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करके पुलिस में भर्ती हो गए। प्रदीप शर्मा पुलिस ऑफिसर बैच 1983 के अधिकारी हैं। ये वो बैच है जिसे अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए जाना जाता है। जब प्रदीप शर्मा ने पुलिस में माहिम पुलिस स्टेशन में अपनी पहली पोस्टिंग की, तब अंडरवर्ल्ड की दहशत अपने चरम पर थी। यहाँ कुछ समय काम करने के बाद इनका ट्रांसफर मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच में कर दिया गया और इसके साथ ही प्रदीप शर्मा ने अपनी लिस्ट में सभी गैंगस्टर के नाम भी शामिल कर लिए और फिर शुरू हुआ गैंगस्टर का सफाया। प्रदीप ने छोटा राजन के साथ साथ दाऊद की गैंग को भी नहीं छोड़ा। अंडरवर्ल्ड के हर कदम पर पैनी नजर रखते हुए एक एक करके सभी गुर्गों को मौत के घाट उतारते रहे और हर एक एनकाउंटर के बाद मीडिया के सामने बस यही बोलते, हम उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन अपराधी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और वो मुठभेड़ में मारा गया। प्रदीप के नाम 1989 से 2006 के बीच 17 साल के करियर में 112 से भी ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं। हालांकि प्रदीप की वर्दी पर दाग भी लगे। 1996 में अंडरवर्ल्ड की मदद करने और 2002 में घाटकोपल बम ब्लास्ट मामले में, जिसके बाद उनका ट्रांसफर धारावी में कर दिया गया। नवंबर 2006 में लखन भैया मुठभेड़ के बाद प्रदीप शर्मा को निलंबित कर जेल भेज दिया गया। 2009 से 2013 के बीच लगभग 4 साल तक प्रदीप शर्मा को जेल में रहना पड़ा। 9 साल बाद प्रदीप ने वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन की। वापस आते ही उन्होंने 2017 में दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार कर अपनी काबिलियत साबित की। इकबाल को दाऊद की बहन हसीना पारकर के घर से गिरफ्तार किया गया था। ये वो इलाका था जहां किसी पुलिस वाले की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। प्रदीप की जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, शायद इसीलिए उन पर कई फिल्में भी बनी। इन्हीं में से एक थी अब तक 56, जिसमें प्रदीप का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर ने। NMF न्यूज की रिपोर्ट।